द्वारका बाई साहब की एक और चाल हुई नाकामयाब यानी के फ्लॉप। नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। दोस्तों बात करते हैं पहले भाई गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया वो वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से लगातार प्रयास किए जा रही है, जैसे कहते हैं कि गुड एंड इविल, तो गुड अपना काम करता रहता है लेकिन इविल भी जो होता है वो लगातार प्रयास करता रहता है, कोशिश करता रहता है। तो यहाँ पे भी जो है एक तरफ अच्छाई है एक तरफ बुराई है, बुराई लगातार अपना कार्य कर रही है तो अच्छाई को रोकने का लगातार प्रयास करती जा रही है। तो ये हमको पता चला कि जैसे गंगूबा ने आके बताया कि ये एक वीडियो पहले हमने आज बनाई थी जहां पे हमने जमुना के बारे में बताया था कि इनकी जब जो टोली है इनकी, तो उस टोली में सिर्फ एक जमुना ही है जो बुद्धिमान है, थोड़ी बहुत बुद्धि रखती है और लेकिन जमुना को ये डांट के चुप करा देती हैं, ऐसा ही जमुना आज कहती हुई दिखाई दी। तो ये जो सारा का सारा प्लान है अचानक से जो कैसे हमने सोचा कि अहिल्या के शिक्षा की बात इतनी जल्दी जंगल की आग की तरह जो है फैल गई है, तो ये कैसे फैली ये पता चला कि किसने फैलाई। जब द्वारका कहती है कि जब गंगूबा के बताते हैं कि सरकार समाज में रोष फैल गया है इसको लेके, समाज के जो कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं क्योंकि नारी शिक्षा जो है नहीं स्वीकार कर रहे हैं वो, और वो कहते हैं कि इस क्रांति का भाग हम अपनी बहू बेटियों को नहीं होने देंगे। तो वहां पे पता चलता कि इस सब के पीछे कौन है, द्वारका भाई साहब है। द्वारका भाई साहब ने धनंजय श्री सरकार को मैसेज भेजा और उनको ये सब करने के लिए कहा है, तो उन्होंने वो है इस बीमारी की जड़, उन्होंने लोगों के अंदर ये एक रोष फैला दिया कि ये तो भैया बहुत ही बड़ा गलत कार्य हो रहा है जो मल्लार राव होलकर कर रहे हैं कि अपनी बहू के प्यार में वो इतने अंधे हो गए हैं, तो वो वहाँ पे नारी शिक्षा जैसा एक कुकर्म कर रहे हैं तो जो कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बहुत गलत है, इस तरीके की चीज़ें वो फैला रहे हैं। तो उसके पीछे कौन है, द्वारका भाई साहब, जबकि द्वारका भाई साहब कहती हुई दिखाई देते हैं कि चलो अच्छा है धनंजय श्री सरकार ने एक तो कार्य सही किया है। तो तब फिर उसके बाद जब पासा पलट देते हैं मल्लार राव होलकर ये कह के कि रुको जो तय है वैसा ही होगा, और ये डिसाइड कर लेते हैं कि मैं बनूंगा अहिल्या का गुरु और अहिल्या के साथ साथ खंडेराव का भी गुरु मैं बनूंगा। पहले हमको ये था कि शायद खंडेराव के लिए गुरु जो शिक्षा देने के लिए आ जाएंगे, लेकिन नहीं, मल्लार राव होलकर ने कहा कि नहीं आते तो कोई बात नहीं है, सबसे पहले गुरु जो बच्चों के होते हैं माँ बाप ही होते हैं, तो मैं इनको प्रथम जो अध्याय मैं पढ़ाऊँगा इनका गुरु बनके। तो उसके बाद तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, हवाइयाँ उड़ जाती है। फिर यहाँ पे जमुना कहती हुई दिखाई देते कि आप कैसे ऐसी बकवास योजना बना सकती हो, तो आपकी हर चीज़ मैंने आपको पहले इसके बारे में मैंने आपको कहा था लेकिन आप हर बार मुझे डांट कर चुप करा देती हो। तो वहाँ पर द्वारका भाई साहब का जो है चेहरा देखने लायक था। तो यहाँ पे ये स्कीम भी लगातार वो कोशिशें करती जा रही हैं, यहाँ पे ये कोशिश भी द्वारका भाई साहब की हो गई है फेल, और शैतान अब अगला कदम क्या उठाएगा, जबकि जो शुरू किया था सफर अहिल्या बाई की जो है एंट्री हो चुकी है ज्ञान कक्ष के अंदर, तो अब ज्ञान कक्ष से तो वो ज्ञान लेके ही बाहर आएगी, तो अब क्या करेंगी द्वारका भाई साहब, अब क्या चलेगी चाल नया पैंतरा, और या क्या चल पाएगा द्वारका भाई साहब का हुक्म का इक्का, क्या आगे से जमुना की बात पे करेंगी वो काम, तो कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।